मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई, गोरखपुर में योगी जी का पर्चा डालना है, यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और गोरखपीठ के पीठाधीश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे साथ योगी जी के नामांकन में दिल्ली से आए देश के शिक्षा मंत्री और चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के संगठन को स्फूर्तिला बनाया है, पेज प्रमुख तक पहुंचाया है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, आज हमारे सहयोगी दल के दोनों अध्यक्ष निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद जी, अपना दल से भाई आशीष पटेल जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, रवि किशन शुक्ला जी, जयप्रकाश निषाद जी, कमलेश पासवान जी और यहीं के विधायक जिन्होंने योगी जी को जिताने का संकल्प लिया है, डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल जी, और आज योगी जी के नामांकन में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तूने तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता खटियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है, और स्थान भी इतना पवित्र है, शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए हैं। मित्रों, गोरक्षनाथ का भूमि कई तरह से याद रखा जाता है पूरे देश भर में, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वयं गोरक्षनाथ जी और कबीरदास, चारों की कर्म भूमि रही है गोरखपुर में। आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मुझे 2013 भी याद आता है। 2013 में मुझे जब भाजपा का प्रभारी बनाया गया तब द्वेष भर के और विशेषकर दिल्ली के पत्रकार कहते थे आपको किस जगह पे भेज रहे हैं जहां भाजपा शायद इस चुनाव में डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएगी। खैर, मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए, उत्तर प्रदेश जहां डबल डिजिट की बात करते थे, विपक्ष डबल डिजिट में नहीं पहुंचा, हमने 73 सीटों को प्राप्त। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया जाता, यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने
विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया। फिर योगी आदित्यनाथ जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, 19 का चुनाव हुआ, 2 साल तक योगी जी ने यहां पर सुशासन की नींव डालने का काम करा था। उसको देखते हुए सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए और एक महागठबंधन बनाया। मैंने भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कहा था, जो बचे कुचे हैं वो भी इकट्ठा हो जाओ, कर लो दो दो हाथ, हम फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 65 सीटें आई। और फिर मोदी जी की उत्तर प्रदेश के प्रति जो अनुराग है और योगी जी की जो कर्मठता है, इसका एक सुभग सुमेल हुआ। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर कर रहा है। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी का, और योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि 25 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून का राज प्रस्तावित करने का काम किया। मित्रों, मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर गए। और मोदी जी हमेशा कहते हैं, जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश का सबसे बड़ा सूबा है, जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, देश का विकास असंभव है। और मोदी जी हमेशा गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इसके उत्थान के लिए लगे रहे। मोदी जी ने ढेर सारी योजनाएं प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर भेजी। हर गरीब के लिए घर बनाने की योजना भेजी, हर गरीब महिला को गैस का सिलेंडर देने की बात करी, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने की बात की, हर गरीब को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, ऐसी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए, हर गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचे, इस प्रकार की योजना लेकर आए। इसके साथ साथ हर गरीब को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मुफ्त कोरोना का टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने। मित्रों, मैं तो देश भर की सरकारों के काम का देखता हूं, ढेर सारी योजनाएं मोदी जी ने गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए भेजी, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। मोदी जी ने जो 73 योजनाएं भेजी है, वो सबके सब में उत्तर प्रदेश 1 से 5 के अंदर आता है और 45 में नंबर वन है। गैस भेजा, 1,73,00,000 महिलाओं के घर में गैस पहुंचाने का काम किया, उनको घर देने की योजना लाए,
82 लाख लोगों के घर में घर देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। मोदी जी ने बिजली की योजना बनाई, 1,82,00,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। मोदी जी ने मुफ्त वैक्सीनेशन भेजा, आज देश में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाला कोई एक राज्य है तो अपना उत्तर प्रदेश। और इसके साथ साथ मोदी जी ने गरीबों के लिए एक योजना लाए, क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा असर अगर किसी पे होता था तो हर रोज कमाकर हर रोज खाने वाले गरीबों पर होता था। उन्होंने हर गरीब घर में प्रतिमाह 5 किलो अनाज 2 साल तक भेजने का निर्णय किया। योगी जी ने इसमें दलहन को भी ऐड किया, तेल भी डाल दिया, नमक भी डाला, और ये सारी योजना 2 साल तक 15 करोड़ गरीबों को घर में मुफ्त खाने का सामान पहुंचाने का काम मोदी जी और योगी जी ने किया है। मित्रों, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, उनको तो लगता है अच्छा ही हुआ है, ये कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई है, लोगों के बीच में जाना नहीं पड़ रहा है। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, भैया जो अपप्रचार करना हो वो कर लो, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे कोई संभावना नहीं है। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। मित्रों, पर्चा डालने का मुहूर्त है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं आज गोरखपुर आया हूं, इसी शहर को गोरक्षनाथ मंदिर के 3 पीढ़ी ने सलामती देने का भी काम किया है और संवारने का भी काम किया है। मेरा योगी जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी से निकट का संबंध रहा, मुझे मालूम है अवैधनाथ जी ने सबको साथ लेकर किस प्रकार से समग्र समाज को एकत्रित किया जा सकता है उसका देश के सामने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था। और योगी जी भी यहां से 5 बार सांसद रहे हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं एयरपोर्ट से गोरखपुर आया, पहले भी कई बार आया हूं, अभी अभी भी आया हूं, हर बार गोरखपुर का सौंदर्य और जवानी दोनों बढ़ती जाती है और अच्छा दिखता है। मित्रों, गोरखपुर के लिए एक जमाना में यूपी बिहार के माफियाओं के छुपने की स्थान माना जाता था। आज गोरखपुर के स्पेलिंग को सुबह सुबह ही मुझे एक पत्रकार ने व्हाट्सएप किया कि अमित भाई वहां बता दे जा, मैं को बता दूंगा भैया व्हाट्सएप करो। उसने बहुत सुंदर व्हाट्सएप किया है, जी से गंगा एक्सप्रेस, बोलिए जी से, ओ से ऑर्गेनिक कृषि, बोलिए ओ से, आर से रोड, ए से एम्स, के से खाद का कारखाना, पी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आर से रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। मित्रों, योगी जी के जनप्रतिनिधि नाते एक मुद्दे को मैं जरूर कहना चाहूंगा। सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ भतीजे का राज था। गोरख क्षेत्र के अंदर जापानी बुखार से कई बच्चे, सैकड़ों बच्चे मौत के शरण हो जाते। योगी जी सांसद से तब से मुद्दा उठाया था। 2014 के चुनाव में मैंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करा मंदिर के प्रांगण में, वहां पर भी सवाल आया
योगी जी ने उसका सटीक जवाब दिया था। जब योगी जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, आज 90% केस कम हो गए हैं, पूरे गोरख क्षेत्र को सुरक्षित किया है। मित्रों, आज मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश को सुरक्षित कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश को विकास दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही माताओं बहनों का सम्मान बचाकर गौरव के साथ जीने का मौका दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीब पिछड़े दलित लोगों को जीवन को ऊपर लाने का काम ही करती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बना सकती है। अंत में आज गोरक्ष में आए हुए नागरिकों के माध्यम से मैं समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से एक बार इसी मन से हमने 300 पार का लक्ष्य भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य लेकर हमारे कार्यकर्ता घर घर आएंगे, विनम्रता के साथ आपका आशीर्वाद, आपका वोट और आपका सहयोग मांगेंगे। मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि आपका आशीर्वाद, वोट और सहयोग तीनों हमें मिलेगा। और आज मैं योगी जी और सारे हमारे विधायक के प्रत्याशी जो नामांकन कर रहे हैं वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर आपको बड़ी सफलता दे, यूपी की जनता का आशीर्वाद आपके साथ रहे और सभी के सभी लोग प्रचंड बहुमत से विजयी बनकर बाहर आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और यहां से पश्चिमी यूपी तक पहुंचे, ऐसी आवाज में बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।